पर्सनल बातें करना चाहती थी, वो बातें क्या है चलो देखते हैं, लेट्स सी। हाँ लिसा बोलो, क्या बोलना चाहती थी? आंटी वो कुछ पर्सनल बातें थी, मैं वी के सामने कैसे बोलूं? वी तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगी? वी मेरी फैमिली मेंबर है, तो तुम्हें जो भी बोलना है इसी के सामने ही बोलो। आंटी आपको तो पता ही होगा मैं और शंकर डेट कर रहे हैं। हाँ हाँ तुम दोनों का तो 3 साल से ब्रेकअप हो चुका है, पता कैसे नहीं होगा मुझे? आंटी आपको तो पता ही है कि मैं जंगकुक से कितना प्यार करती हूँ। हाँ हाँ पता है, तुम इसीलिए तो उसे छोड़ के चली गई। आंटी आपको तो पता ही है मेरा कैरियर उस वक्त कितना इम्पोर्टेंट था, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हैं। हाँ तुम्हारा कैरियर इम्पोर्टेंट था ये मैं समझ सकती हूँ, पर मेरे बेटे से तुम बात तो कर सकती थी, डिस्कशन तो कर सकती थी ना इस बारे में, तुमने उसे कुछ बोला है? मैं आपके बेटे का लाइफ सेव की, फिर भी आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं? हाँ तुमने उसे बचाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी जिंदगी को ही छीन लोगी। फिर लिसा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। वी तुम कुछ खाओगी? नहीं आंटी मैं अब चलती हूँ, मुझे मूवी इंटरव्यू में भी जाना है। अरे तुम मुझे मॉम बोलो ना, आंटी क्यों बोल रही हो? ओके आंटी मतलब मॉम, अब चलती हूँ मैं। ओके बेटा बाय, टेक केयर। जंगकुक मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज जंगकुक प्लीज। फिर लिसा जंगकुक को हग कर लेती है और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। उस वक्त भीवी ऑफिस आ रही थी और वो जंगकुक को लिसा के साथ देख लेती है, फिर वो रोते हुए घर चली जाती है। वी वी सुनो मेरी बात सुनो, भी फिर जंगकुक लिसा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के जाने लगता है, तभी लिसा बोलती है, जंगकुक प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मैं अपनी जान पे खेल कर तुम्हें बचाई थी, क्या वो दिन तुम भूल गए? प्लीज जंगकुक मुझे छोड़ के मत जाओ ना। बट जंगकुक लिसा को छोड़ के घर चला जाता है। वी तुमने जो भी देखा वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, वैसे कुछ भी नहीं हुआ था, वो गिर गई थी, बेहोश हो गई थी इसलिए। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें सीसीटीवी फुटेज दिखा दूंगा, प्लीज तुम कुछ गलत मत समझना प्लीज वी। इट्स ओके, मुझे पता है तुम वैसे नहीं हो, लव यू, बट मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। हाँ पूछो, क्या पूछना था? ईसा जी बोल रही थी कि वो तुम्हारा लाइफ सेव की थी। हाँ मैं जब थाईलैंड गया था वो मुझे पानी में डूबने से बचाई थी, बट तुम अब क्यों पूछ रही हो? तुम्हें कैसे पता चला वो लड़की लिसा है? क्योंकि उसके पीछे नेक पे एक टैटू था, तो मुझे लगा कि वो लिसा है, क्योंकि लिसा के पीछे भी एक टैटू है ना। थाईलैंड में क्या तुम डंगस्टन रेस्टोरेंट में गए थे? हाँ वहाँ पे ही ये सब तो हुआ था। जंगकुक वो लड़की लिसा नहीं मैं थी। पर कैसे? उसके बैग में तो टैटू था और वो टैटू तो लिसा के पास है, तो तुम कैसे हो सकती हो लड़की? हाँ बट मैं भी सेम टैटू के स्टिकर लगाई थी, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी इसलिए। और कुछ मत बोलो वी, मैं उस लिसा को नहीं छोड़ूंगा। नहीं जंगकुक हमें उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनसे सच्चाई जानना चाहिए, वो क्यों तुमसे झूठ बोली ये जानना चाहिए, तो हम क्या करेंगे वी? ओके बेबी डन। गुड मॉर्निंग लिसा, कैसे हो? हाँ अभी ठीक हूँ, बट तुम इतने सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने के लिए आया था। क्यों कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? जंगकुक तुम इतने स्वीट मत बनो, मैं 3 साल से ये बहुत मिस कर रही थी, कब तुम मुझसे स्वीटली बात करोगे, आज वो दिन आ गया। थैंक यू जंगकुक मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। मैंने अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है,
बट एक्सेप्ट कर लूंगा जब तुम मुझे सच्चाई बताओगी। कौन सी सच्चाई? क्या तुम सच में मुझे बचाई थी? हाँ, बट तुम अब क्यों ये बात बोल रहे हो? सच बोलो लीसा, झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता है। हाँ, मैं तुम्हें नहीं बचाई थी, बट मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। मैं छोटी हो सकती हूँ, पर मेरा प्यार छोटा नहीं है जंगकुक। तो तुम तब से झूठ क्यों बोल रही थी? जब हम दोनों पहली बार मिले, मैं तब से तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इस वजह से मैं सच्चाई नहीं बोल पाई। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। लीसा जी, बट आपको बता देना चाहिए था ना कि तुम इधर। हाँ, मैं और जंगकुक आपके मुंह से सच सुनना चाहते थे, इसलिए आए थे हम इधर। लीसा, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, बट मैं सिर्फ वी से प्यार करता हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो। सॉरी शंकू, मैं तुम्हारी लाइफ में आके तुम्हारी लाइफ में ट्रबल क्रिएट की। सॉरी, मुझे माफ कर देना। फिर लीसा सब कुछ छोड़ के फॉरेन चली गई और जिमिन सुहा की शादी हो गई। नामजून मिस जिन को प्रपोज कर देते हैं। जेहोप और जीसू भी फॉरेन चले जाते हैं। पार्टी पार्टी क्या? ओह, तो आप लोगों का ऐसे लव हुआ था। देखो, सबका लव स्टोरी कितना अच्छा है और हमारा लव स्टोरी ट्रेजेडी से भरा हुआ है। अरे मेरी बिल्लो रानी, ट्रेजेडी होने से कपल के बीच में प्यार बढ़ जाता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये हाथ देख रहे हो? तो इस हाथ से एक घुसा दे दूं, तुम्हारा प्यार बढ़ जाएगा। मेरी वाइफ ही गुस्सा हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। बेबी, क्या कर रही हो? सबकी फोटो उठा रही हूँ, देखो ना कितना अच्छा आ रहा है। हाँ, सारे कपल कितने क्यूट लग रहे हैं। और बेबी, तुम भी बहुत क्यूट लग रही हो। सॉरी माय आर्मी फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है और छोटी भी है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट अभी से मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। और मुझे कमेंट में बताना आप लोगों की दशहरा कैसे गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि वो सब आपके लिए मुफ्त 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 है। ओके, करके जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।